कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। मूवी के पहले सीन में यश कुमार ऊपर देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका रूप चेंज होता है अचानक से इनका आंख बंद हो जाता है और ये सामने की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये क्या है भाई? अब वो तो ठीक है कि यश कुमार इसे उठाकर फेंक रहे हैं, लेकिन ये गोल गोल क्यों घूम रहा है यार, वो भी एक ही जगह पर। ये आदमी कुछ शक्तियां छोड़ता है, यानी कुछ रेज छोड़ता है यश कुमार के ऊपर, लेकिन अभी तक ये शक्तियां तो यश कुमार के पास पहुंची भी नहीं, फिर भी इनके ऊपर शक्तियों का असर कैसे होने लगा यार। अब इस सीन में देखकर ये पता चल रहा है कि ये लड़कियां सारी खड़ी होकर पढ़ रही हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है यार? तो देखकर तो यही लग रहा है कि इनको एक एक करके खड़ा करवाया गया है। ये सारी लड़कियां तो पूरे रो में खड़ी है यार, वो भी पूरे अनुशासन में। अब इन दोनों की यहाँ पर टक्कर होती है, लेकिन शायद इन लोगों को पहले ही पता है कि टक्कर होने वाली है। नहीं, अब इन लोगों का चेहरा देखकर तो यही लग रहा है। इन लोगों के टक्कर में इनकी किताबें सारी गिर जाती है नीचे, और इन लोगों को किताबें उठाते उठाते ही यहाँ पीछे डांस भी शुरू हो गया और लोग नाचने भी लगे। क्या बात है यार, ये क्या है भाई, ये कौन सा नाग है? अरे भैया, इसको तो देख कर ही पता चल रहा है कि ये तो नकली है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये नाग इनके ऊपर ही है। लेकिन जैसे ही ये अपना हाथ ऊपर लाती है तब भी नाग दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक से अगले ही सीन में गायब कैसे हो गया यार, जबकि एक भाग दिखाई दे रहा है और दूसरा भाग अचानक से गायब हो गया। अब ये कैसा VFX यूज किया है यार, ये आदमी अपनी शक्तियों से यश कुमार को ऊपर टांग रखा है और पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पीछे ये गाड़ी अचानक से कहां से आ गई यार, जबकि पहले तो ये थी ही नहीं। यश कुमार इस आदमी को मारते हैं और ये आदमी हवा में इनके सामने ही उड़ने लगता है, लेकिन अचानक से अगले सीन में इनके साइड में कैसे आ गया यार, जबकि पिछले सीन में तो इनके सामने ही उड़ रहा था। अब यार यश कुमार इतने आदमियों को उठाकर फेंकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर इस सीन में हम ध्यान से देखेंगे तो यश कुमार का केवल एक ही हाथ खाली है, यानी केवल एक ही तरफ के लोगों को फेंक सकते हैं, लेकिन ये सारे आदमी क्यों गिर रहे हैं फिर? अब ये तीनों लोग तीन गुंडों को लात से मारते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये तीनों हवा में उड़ने वाले हैं। लेकिन यार ये दोनों आदमी तो सही उड़ रहे हैं, लेकिन ये आदमी टेढ़े क्यों जा रहा है यार? भाई लगता है इसका रस्सी टेढ़ा लगा दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सीन में तीन आदमी उड़ रहे हैं और पीछे एक गाड़ी दिखाई दे रही है, और इस गाड़ी पर जाकर ये लोग गिरते हैं, लेकिन इस सीन में तो केवल एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, बाकी दोनों आदमी कहां गायब हो गए यार? अब इस आदमी के पीछे काफी सारे सामान रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ये सांप जैसे ही इसको काटता है और ऊपर से कैमरा आता है, अचानक से ये सामान इसके पीछे कहां से आ गया यार, जबकि यहां पर तो था ही नहीं। और अगले सीन में जैसे ही कैमरा फिर से सामने से आता है, अचानक से वही सामान फिर से पीछे चला जाता है। अब इस आदमी के चारों ओर ये सांप राउंडिंग कर रहा है। अब ये तो सबको पता है कि ये नकली सांप है, और ये तो देखिए इस आदमी का परछाई नीचे आ रहा है, लेकिन इस सांप का परछाई क्यों नहीं आ रहा है यार? भाई इसकी भी परछाई तो नीचे दिखनी ही चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भोजपुरिया अंदाज में सब्सक्राइब करना तो ठोक दे।